नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस मैसेज के रिकॉर्डिंग भी, ठीक है, और इसके अलावा एक लिस्ट का जिक्र किया हुआ वो लिस्ट भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ है वो आप लोगों को बता दूंगा। जो भी HSC स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके अंदर अगर कोई बॉर्डर लाइन पर रह जाता है, ठीक है, या फिर वेटिंग लिस्ट के अंदर रह जाता है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये लिस्ट ले सकता है जो इसके अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। गाइडलाइन क्या कुछ है जो HSC के चेयरमैन ने बताया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं वो सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, चाहे वो कोई से भी सोशियो इकोनॉमिक का नंबर हो, जैसे कि फादरलेस हो गया, विडो हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया, नो जॉब के हो गए, विमुख जाति के हो गए, ठीक है। अगर किसी के निर्णय दोबारा इसका बेनिफिट उठाना चाहा तो वो एक फेक नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोई कैंडिडेट है इस वैकेंसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2019 के अंदर, जो इन मेडिकल कॉलेज में, कौन से, PGIMS रोहतक, करनाल, मेवात, खानपुर, फरीदाबाद, ठीक है। अगर ये इसके अंदर आपने क्लेम किया था और उसके बाद अभी HSC के अंदर भी DV के अंदर वो दोबारा से क्लेम कर दिया हो, तो इस तरीके के आप फेक के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो जो भी ऐसा कैंडिडेट है वो अभी 31 तारीख को जाके, ठीक है, अपने नंबर है वो विड्रा करवा सकते हो, और नोटिस जो विड्रा का है वो आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी है कोई भी फेक नंबर न ले, ठीक है, वो जो HSC चेयरमैन ने बयान दिए थे वो वीडियो भी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं लास्ट में, कि उन्होंने बताया है सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है वो सिर्फ एक बार ही क्लेम कर सकते हो। अगर आप उस सोशियो इकोनॉमिक का बेनिफिट उठा लिया है या उसके बेस पे लग गए हो तो आपको दोबारा सोशियो इकोनॉमिक का नंबर नहीं मिलेगा, चाहे इनमें से कौन सा भी सोशियो इकोनॉमिक का नंबर हो, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि आप लोग जैसे कहीं पर लगे हुए हो, ठीक है, इनमें से जो भी है, और आप गलती से वो नंबर ले लेते हो, ठीक है, तो इस नौकरी से भी जाओगे और दूसरी HSC की भी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही इस चीज़ में नुकसान है। जो भी है अपना इस क्राइटेरिया से, जो फेक नंबर वाले क्राइटेरिया है, इससे बाहर आ जाओ और अपने नंबर है वो 31 तारीख को विड्रॉ करवा सकते हो। लिस्ट अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जैसे ये लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है, जो भी कोई कैंडिडेट है यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, यहाँ पे इसके जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन ID, एप्लीकेंट का जो नाम है, कोई जो भी कैंडिडेट है उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, और यहाँ पे हैं उसके कितने नंबर आ रखे हैं, और ये जो ये लिस्ट दे रखी है इसके अंदर है भी किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो 5 नंबर वाली, ठीक है। इसके अंदर जो विडो और फादर डेड के कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर तीनों के अंदर लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और ये जो विमुक्त जाति वाली है इसके अंदर दे रखी है, और एक्सपीरियंस के यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और कितने उसके जो नंबर हैं ये ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, और उसके ये सभी कितने नंबर आ रखे हैं और जो सोशियो इकोनॉमिक के ऐड हो रहे हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे रखा है, ठीक है, और सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड की ये इस तरीके से दिया और कहाँ पे सिलेक्ट हुआ, इस तरीके से ये पूरे लगभग 700 प्लस कैंडिडेट हैं 500 मेडिकल कॉलेज के, ठीक है, तो उन सभी की लिस्ट है, आप खुद भी देख सकते हो अंदर किस किस तरीके से आया हुआ है। एक दो पेज और दिखा देता हूँ आपको, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया है इसमें, बाकी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी सभी कैंडिडेटों की लिस्ट है, तो कहीं ये ना हो कि खुद आप ज़्यादा समझदार बन रहे हो कि भाई हाँ मैं ये फेक नंबर ले लूँगा, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के भी कोई नहीं चेक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट डाटा हमारे पास भी है, और कोई ऐसा कैंडिडेट है वो इस तरीके की वेरिफिकेशन खुद करवाना चाहे तो करवा सकता है, ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, और जैसे रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों को मैं डाल भी दूंगा ग्रुप्स के अंदर, बाकी किसी को चाहिए तो मेरे को बता देना, आप लोगों को कंप्लीट ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी जो भी कोई कैंडिडेट ऐसा है, ठीक है, अभी भी फेक नंबर ले रहा है किसी भी टाइप के, फादरलेस, एक्सपीरियंस के, विडो के, जो भी है, तो अपने वो विड्रा करवा ले, ठीक है, और जैसा जो कुछ भी रहेगा वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, और वो इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखा दूंगा जिसके अंदर ये कहा है चेयरमैन ने कि जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है वो एक बार ही क्लेम कर सकता है सिर्फ, ठीक है, अगर उसका बेनिफिट उठा लिया है तो वो उसके लिए उसको वो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई कैंडिडेट है तो विड्रॉ करवा सकता है, ठीक है। तो ये इसी वीडियो के अंदर वो आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है जी सर, फादरलेस के जो नंबर मिलते हैं वो कितने बार ले सकता है बच्चा? वैसे तो कोई भी नंबर जो है वो वन टाइम बेनिफिट है, पर अभी तक इंस्ट्रक्शंस में ये बात कहीं खुली नहीं थी कि फादरलेस के कितने बार ले चुके,
सकता है, तो इसमें अभी जल्दी अमेंडमेंट होने वाला है और उसमें ये शब्द लिखा जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क के जो नंबर है क्वालिफिकेशन को छोड़ के वो वन टाइम बेनिफिट होगा। अभी तक मतलब ले सकता है अभी के हिसाब से, अभी अभी जो के सी हिसाब प्रोसेसर से है, नहीं सकता। जैसे ये ग्रुप, जरूर है कि वो बात क्लियर नहीं हुई, पर वो बेनिफिट उठा के लग तो गया है ना। जैसे सर ग्रुप डी में एक बच्चा लगा फादरलेस के नंबर लेके, ग्रुप जी अब डी में क्यों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं क्लर्क में थे, वो पुलिस में आ गए, एसआई में आ गए, तो ये बात अलग है कि वो उसकी व्याख्या नहीं की गई, पर है तो वन टाइम ही बेनिफिट। तो सर अभी फाइनल आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बच्चे मेरे को अभी बार भी मिले थे कि हम सर से मिलने आए हैं चेयरमैन साहब से। मेरा ये है कि अगर कि कोई बेनिफिट लेके सर्विस मिल गई है तो बिल्कुल भी उसने क्लेम नहीं करना चाहिए, किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आयोग ही नहीं उनको देखेगा या इग्नोर करेगा या कुछ करेगा, तो और बच्चे जो कंपटीशन में हैं उनके, वो हाई कोर्ट तक पता नहीं कहाँ तक उनका पीछा करेंगे, क्यों चक्कर में पड़े, उनको वन टाइम ही बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक।